हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वेलकम टू वीडियो खजाना इस वीडियो खजाने चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सो so फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो खजाना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो खजाने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम पर आपको एजुकेशनल वीडियो मोटिवेशनल वीडियो टेक्निकल वीडियो जर्नी वीडियो एंड किचन रेसिपी वीडियोस एन टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ एन नंबर ऑफ वीडियोस ऑफ सिलेक्टेड वीडियोस आपको टाइम पर डिलीवर होते रहेंगे और हाँ दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा क्योंकि जब भी अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको हमारे न्यूली अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन वीडियो बाय वीडियो खजाना सब्जेक्ट मैथ क्लास टेन चैप्टर फोर ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रेंड्स उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो

The roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to zero, both are the same. Friends, polynomial में भी quadratic equations होती है उसके जो zeros होते हैं यहाँ quadratic equations के अंदर जो roots होते हैं वो दोनों चीजें same होती है इसमें आप confuse होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चलिए नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ते हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाडिटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक् प्लस सी इक्वल टू जीरो फर्स्ट कॉलम हमारा है इसमें डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड कॉलम नेचर ऑफ द रूट तीसरा जो कॉलम है वैल्यूज ऑफ द रूट फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारी ये रही स्क्रीन पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो नेचर ऑफ द रूट्स में इसमें आता है रियल और डिस्टिंक्ट्स। वैल्यूज ऑफ द रूट्स होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं d इज इक्वल टू जीरो डिस्क्रिमिनेट जब जीरो होता है तो मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर इसी इज इक्वल टू जीरो तो उसके जो रूट्स हैं रियल हैं और इक्वल होते हैं जैसे कि माइनस बी अपॉन टू ए उसकी वैल्यूज है माइनस बी अपॉन टू ए जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है मीन बी स्क्वायर माइनस फोर एसी लेस देन जीरो मीन्स रूट्स देर इज नो रियल रूट्स इमेजनरी रूट्स नो रियल वैल्यू एंड इमेजनरी और कंडीशन इसमें हमारा सेटिस्फाइड होती है दैट इज डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ए बी सी आर द रेशनल तो रूट्स हमारे होते हैं बोथ द रूट्स आर रेशनल वैल्यूज So तो माइनस डिस्कशन रहा तीनों कॉलम्स का ताकि के हमारे क्या सोल्यूशन रहेंगे वो हम आगे पढ़ते हैं सोल्यूशन ऑफ द बाय फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन से मेथड से हम उसमें एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मिडिल टर्म उसको हम बोलते हैं बी एक्स हमारी मिडिल टर्म होती है और इसके बेसिस पर हम उसको जो है स्प्लिट करते हैं और हमारा मेथड से की वैल्यू निकल सकती है नेक्स्ट हमारा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए अपॉन टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू ए

the roots are real if d greater than or equal to 0 means b square minus 4ac greater than 0 or we can say b square greater than or equal to 4ac so friends these are the introductory part of the of our quadratic equation subject maths class 10 chapter 4 exercise 4.4 question 1.3 solution video by video kazana

zero and we already know the nature of the root of the quadratic equation there is discriminant of the quadratic equation d is equal to b square minus 4ac discriminant d greater than zero means two distinct real roots d equal to zero means two equal real roots and d less than zero there is no real roots so let's go on the करते हैं. that is question 1.3 2x square minus 6x plus 3 equal to zero now comparing the

चलिए इसको हमने आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा सॉल्व करते हुए दैट इज ए बी सी वैल्यू इनटू डिस्क्रिमिनेंट ऑफ देयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 एसी डी इक्वल टू माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू 2 इनटू 3 दैट इज 4 टू द 8 एंड 8 इज अ 24 सो so 6 इज अ 36 36 माइनस 24 दैट इज 12 सो so d इक्वल टू 12 द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज

बी का स्क्वायर माइनस फोर एसी बहुत आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है तो वहाँ पे केवल और केवल वैल्यू उसको आपको पुट करनी है दैट इज और माइनस बी की वैल्यू आपको उसमें पहले से ऊपर क्वेश्चन के अंदर हमने निकाल के दे रखी है उस वैल्यूज को आप पुट करें और उसको आगे स्टेप बाय स्टेप मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व टू अपन जब रूट निकालते हैं तो टू निकल के आता है और सिक्स माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा दैट इज अपॉन फोर टू हमने कॉमन निकाल लिया थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन फोर थ्री प्लस रूट थ्री अपॉइंट टू और थ्री माइनस रूट थ्री अपॉइंटू कैलकुलर्कसू रियल इज द रूट ऑफ द गिवन क्वार इक्वेशन आर द रियल एंड डिस्टिंग रूट आर थ्री प्लस माइनस रूट थ्री अपॉइंट टू ओके फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो खजाने के माध्यम से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो खजाने चैनल को लाइक करें डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर सो फ्रेंड्स डोंट गो अवे स्टे विद अस वी विल गेट बैक टू यू नेक्स्ट वीडियो सो देन कीप वाचिंग कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग थैंक्स फॉर watching goodbye